हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं 32 साइज ब्रा कट ब्लाउज। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं अब एक के बाद एक 30, 32, 34, 36 इस तरह के सारे जितने भी ब्लाउज है ब्रा कट उतना मैं आपको इस तरह से ड्रॉ करके दिखा देंगी। तो मैं पहले दिखा चुकी हूँ 30 साइज की, तो उसकी लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया है, वीडियो के एंड पर भी दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम 32 साइज का ब्रा कट ब्लाउज आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेंथ ले लेते हैं। तो जितनी भी लेंथ रखना है, तो 32 साइज ब्लाउज के लिए हम लेंथ रख रहे हैं 13। अगर कोई हाइट में ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से, या तो फिर कोई ज़्यादा लॉन्ग पहनना चाहता है तो आप उस हिसाब से भी कम ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन जो हमेशा यूजली जो होते लेंथ होते 32 साइज का, उसकी लेंथ हमेशा 13 ही होते हैं। तो हम चलिए 13 ले लेते हैं लेंथ। तो यहाँ पे हमारा 13 आ रहा है। तो हमें सिर्फ 13 लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ 13 सिर्फ करेक्ट लेंथ है, उससे हमें एक इंच एक्स्ट्रा ले लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक दाग 14 पे भी लगा लेंगे। तो टोटल जो है लेंथ जितना भी है उससे हमें एक इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो चलिए मार्जिन कर लेते हैं। तो हमें लेंथ जो है हमने ले लिया है 14। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पूट ले लेना होगा। तो हम पुट ले रहे हैं 5 एंड हाफ इंच। मैं यहाँ पे जो करेक्ट होते हैं मैं वो ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से अगर कोई कि आप अगर कोई मेजरमेंट करके अगर कोई हेल्दी हुआ तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। तो हम 5 एंड हाफ इंच ले लेते हैं। पुट ले लिया है 5 एंड हाफ इंच। तो हमारी पुट जितनी भी होगी उससे हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे उमरी के लिए। तो हमने 5 एंड हाफ इंच लिया है पुट। अब हम 6 इंच ले रहे हैं उमड़ी के लिए, ले लिया है। अब चलिए इसको भी हम मार्जिन कर लेते हैं। तो मार्जिन भी कर लिया है। तो हो गया, हमने पुट और उमड़ी ले लिया है। अब हमें जो करना होगा वो हमें चेस्ट का साइज लेना होगा। तो हमारे चेस्ट जो है यहाँ पे 32 है, तो 32 को हमें 4 से डिवाइड करना होगा। तो 32 का 4 से डिवाइड करने से हो जाता है 8। तो हम 8 पे निशान लगा लेंगे, 8 हो गया है। लेकिन हमें क्या करना होगा, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो इसलिए हम 9.5 ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पर भी मार्जिन कर लेते हैं। तो ये हो गया, हमने चेस्ट का साइज ले लिया। अब हम कमर ले लेंगे। तो कमर का जो हमारा मेजरमेंट है वो है 26, उसको हमने 4 से डिवाइड किया है। तो हमारा अंक है 6.5, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो उस हिसाब से हमारा आ गया है 8, ठीक है। तब चलिए इसको भी हम एक मार्जिन कर लेते हैं। हो गया, अब हम इसको चेस्ट के साथ, चेस्ट से लेकर यहाँ तक हम एक मार्जिन लगा लेंगे। तो हो गया, हमने 1.5 इंच पर एक मार्जिन लगा लिया है। इसको हमने अलग कर दिया है क्योंकि हमारा जो मेन जो साइज़ है वो है ये, और ये जो साइज इसको जो हमने जो यहाँ पे जो ये लिया है ये एक्स्ट्रा है। ये समझने के लिए हमने यहाँ पे 2 दाग लिया है, यहाँ पे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। तो मैं चेस्ट का और जो कमर का जो मेजरमेंट है वो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। चेस्ट जो है मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा आ रहा है चेस्ट 32, उसको हमने 4 से डिवाइड किया है, तो हमारा आ गया है टोटल 8। और 8 इंच के साथ हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो है ज्वाइन किया है, तो उस हिसाब से हमारे आ गया है यहाँ पे 9.5 इंच, ठीक है। अब हम कमर को दिखा देते। कमर जो है यहाँ पे है 26, उसको हमने 4 से डिवाइड किया, आ गया है 6.5। इस पर हमने 1.5 इंच प्लस किया है,
उसके हिसाब से यहाँ पे आ गया है 8 इंच। तो कमर को तो हमने आपको दिखा दिया है, अब चलिए हम नेक के साथ चलते। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे उंगली पे दिखा देते हैं। उंगली पे हम यहाँ पे इस तरह से 1 इंच ले लेंगे और इसको इस तरह से एक राउंड सा शेप दे देंगे। दे दिया है, इससे 1/2 इंच ऊपर एक मार्जिन लगा लेंगे, ये बैक साइड के लिए आ जाएगा। आगे देख सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब हमें जो करना होगा वो है कि यहाँ पे हमें सबसे पहले नेक ड्रॉ कर लेना होगा। तो नेक पे हम यहाँ पे रख रहे हैं 3 इंच, आप अपने हिसाब से जितना हो सके रख सकते हैं, ले लिया है 3 इंच। और यहाँ पे साइड पे हम ले रहे हैं 4.5 इंच, सॉरी 4 इंच ले रहे हैं, क्योंकि 32 जो है बहुत ही स्मॉल साइज है, उसके लिए हमें जो है 4 इंच ही लेना है नेक को। पर अगर कोई ज़्यादा हेल्दी हुआ तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो चलिए मार्जिन कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हम एक राउंड सा शेप दे देंगे नेक के लिए, हो गया है। अब हम मेन पार्ट ड्रॉ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक हल्का सा हमें इस तरह से कंधे की साइड को, आप चाहे तो 1/2 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही दे दिया है। अब हम मेन पार्ट ड्रॉ करेंगे, ब्रा का जो साइज़ होता है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम इस जगह से 1 इंच ऊपर ले लेंगे, एक मार्जिन लगा देंगे। ये 1 इंच पे हमने मार्जिन लगा लिया। यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक मार्जिन लगा लेंगे, 1.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है। यहाँ पे कमर की साइड से हम 3 इंच ऊपर ले लेंगे, 3 इंच ले लिया है बेल्ट के लिए। आप चाहे तो 2.5 इंच भी ले सकते, हम 2.5 इंच ही ले लेते, 3 इंच कुछ ज़्यादा ही हो गया है, 2.5 इंच। और इस साइड से भी हम 2.5 इंच जो है ले लेंगे, हो गया है। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। कर दिया है। अब हम यहाँ पे जो है, जबकि 32 है इसीलिए हम यहाँ के जो मेजरमेंटर है वो हम 5 इंच ले रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने नेक से 1 इंच लिया है, यहाँ पे 1.5 इंच लिया है और यहाँ पे हमने 5 इंच ले लिया। अब तीनों को हम हल्के से एक कर देंगे, तो देख सकते हैं हमने तीनों पॉइंट्स को जो है इस तरह से हल्के से इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था तो इसलिए थोड़ा डबल हो गया है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से हमने कर दिया है। अब हमें आगे जो करना होगा, यहाँ से हमें 3 इंच लेना होगा, हो गया 3 इंच। अब हमें यहाँ से भी 3 इंच ले लेना होगा। तो हमने यहाँ पे दोनों साइड पे 3 इंच ले लिया है। अब हमने जो यहाँ पे ये जो मेजरमेंट किया है इसका 1/2 ले लेना होगा, तो 2 का 1/2 हो गया, सॉरी 5 का 1/2 हो गया, 2.5 इंच हम ले लिया है, 5 का 1/2 ले लिया है। तो हमने यहाँ पे जो यहाँ तक मेजरमेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का जितना मेजरमेंटर है वो हमने 3 इंच लिया है, यहाँ से यहाँ तक का जितना मेजरमेंटर है वो हम 3 इंच ले लिया है। हमारे कैमरा की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो गया, तो देख सकते 3 इंच ले लिया है। इसीलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बीच में जो ये जो पॉइंट है इसको हमें क्या करना होगा, 1/2 इंच कम लेना होगा। तो 3 का कम हो गया 1/2 इंच, 2.5 ले लेंगे हम यहाँ पर, तो 2.5 हो गया। तो हम इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, आस्ते से एक कर देंगे, इस तरह से एक राउंड सा शेप देते हुए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या किया, 1/2 इंच पे दे दिया। और यहाँ पे हम जो क्या करेंगे, इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिए, तो ज्वाइन कर दिया है।
अब क्या हो गया, ये एकदम बन के तैयार हो गया, लेकिन फिर भी एक कम अभी अधूरा रह गया है, वो है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना होगा हमें, यहाँ से हाफ इंच पे एक मार्जिन लगा लेना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने हाफ इंच ले लिया है, और हाफ इंच को हमें यहाँ से एक राउंड से शेप देते हुए इस तरह से इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना होगा। तो ये बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे अब हमें किसी जो है जो ड्रॉ है वो टोटल कंप्लीट हो गया। मैं आपको टोटल दिखा रही हूँ, अभी देख सकते हैं 32 साइज का ब्राकट ब्लाउज का जो मेजरमेंट रहे यहाँ पे, ये टोटल हो गया है। अब मैं इसको आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये 32 साइज का ब्रा कट ब्लाउज कटिंग, तो देख सकते हैं ये हो गया। तो अगर आप लोगों को नहीं आता, कभी ब्लाउज कटिंग किया भी नहीं है, तब भी आप इस तरह से वीडियो देखकर आप 32 साइज का ब्रा कट ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर हेल्पफुल रहा हो तो ये सारी टिप्स, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है। आगे के वीडियो में मैं लेकर आऊँगी कि ये जो पार्ट्स है इसको किस तरह से कटिंग करके अलग करके मेजरमेंट करना पड़ता है, जबकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैंने इस वीडियो पे दिखाया नहीं। पर मैंने जहाँ पे 30 साइज का ब्रा कट ब्लाउज दिखाया है वहाँ पे मैंने ये दिखाया है कि ये जो ये दो पार्ट होते हैं इन्हें कट के कैसे अलग किया जाता है, वीडियो के एंड में है। उसकी लिंक मैं ऊपर दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा, या तो फिर मेरा अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। उस वीडियो में मैं ये दिखाऊंगी कि इन दोनों पार्ट्स को जो है किस तरह से कट के अलग करके अलग से मेजरमेंट करना पड़ता है। तो अब तक हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो आगे की वीडियो के लिए आगे मैं लेकर आऊँगी कि 34 साइज़ का कैसे कटिंग करते हैं और ये दो पार्ट्स जो है वो अलग कैसे कटिंग करते हैं। सो तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।